ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कैसे 2,67,000 की सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पा सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना दरअसल है क्या, उसके क्राइटेरियाज क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिसके जरिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी आसानी से पा सकोगे। मैं हूँ केविन पागडा, रेड पोस्ट लोन कंसल्टिंग ग्रुप की ओर से। हमारे देश में आज भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिसके पास अपना खुद का मकान नहीं है, जो आज भी भाड़े के मकान में रह रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने जून 2015 में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें करने का निर्धार किया गया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे मेन चीज कोई हो, जो क्रक्स हो, तो वो यही है कि जो बंदा, जो फैमिली अपना पहला मकान ले रहे, उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। कितनी सब्सिडी देगी, क्या रहेगा, वो सारी चीज उसकी सालाना आय के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सब्सिडी की सारी प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए 2 सेंट्रल नोडल एजेंसीज को अपॉइंट किया, जो देखेगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिल रही है वो एंड यूजर, अंतिम बंदे तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और वो 2 सेंट्रल नोडल एजेंसीज का नाम है NHB और HUDCO। अब हम ये देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी सालाना आय के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने आपकी फैमिली की सालाना आय को लेके 3 कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी उसमें से है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या LIG, लोअर इनकम ग्रुप। अगर आपकी सालाना आय, फैमिली की पूरी मिला के सालाना आय 0 से लेके 6 लाख है, तो आप पहली कैटेगरी में आओगे, तो आपको मिलेगी सब्सिडी पूरी की पूरी 2,67,000 की। और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप नोट डाउन कर लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पहली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनकी इनकी क्वेरीज ये कैटेगरीज को लेकर रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैटेगरीज में लेडीज की ओनरशिप मैंडेटरी है। अगर आप ये कैटेगरी में फॉल करते हो, अगर और आपने लोन ले लिया और मकान में जो जिसको बोलते दस्तावेज सेल डीड में अगर लेडीज की ओनरशिप नहीं है, तो आपको लोन मिल जाएगी लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आपने गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लोन करवा दिया, तो फिर क्या रहेगा, आपको सब्सिडी कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिर तो आपके नाम पे एक मकान ऑलरेडी हो जाएगा, तो आपको फिर कभी सब्सिडी नहीं मिलेगी, 2,67,000 रुपए आप गवा दोगे। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी चीज, ये कैटेगरीज में मैक्सिमम कार्पेट एरिया यही है कि 645 स्क्वेयर फीट, 645 स्क्वेयर फीट से कम का कार्पेट एरिया होना चाहिए। अगर आप मकान लेने जा रहे हो और मकान का कार्पेट एरिया 645 स्क्वेयर फीट से ज्यादा है, तो भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दूसरी कैटेगरी आती है मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, इसमें ये लोग आएंगे जिनकी सालाना, फैमिली की सालाना आय 6 से लेकर 12 लाख तक है। इसमें ये कैटेगरी की खासियत ये है कि इसमें लेडीज ओनरशिप कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर आप मेल मेंबर के नाम से भी प्रॉपर्टी लोगे तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये कैटेगरी में मैक्सिमम आपको 2,35,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। और कार्पेट एरिया कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कार्पेट एरिया होना चाहिए 1,722 स्क्वेयर फीट। अगर 1,722 स्क्वेयर फीट से ज्यादा का कार्पेट एरिया हुआ, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये रही दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी आती है मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी, जिसमें आपकी फैमिली की सालाना आय अगर आपकी होती है 12 से 18 लाख तक, तो ये कैटेगरीज में भी लेडीज की ओनरशिप कंपलसरी नहीं है, फरजियात नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसमें कार्पेट एरिया की लिमिटेशंस ये है कि 2,152 स्क्वेयर फीट से ज्यादा का कार्पेट एरिया नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटा अपने तीनों कैटेगरीज का पूरा समराइज करें तो पहली कैटेगरी 0 से 6 लाख, लेडीज ओनरशिप कंपलसरी है, 645 से ज्यादा कार्पेट एरिया नहीं होना चाहिए, ये 3 चीज। MIG कैटेगरी 6 से 12 लाख की सालाना आय, लेडीज ओनरशिप कंपलसरी नहीं है, 1,722 स्क्वेयर फीट का मैक्सिमम कार्पेट एरिया। और तीसरी कैटेगरी आएगी MIG 2, 12 से 18 लाख की सालाना आय और लेडीज की ओनरशिप कंपलसरी नहीं है और 2,152 स्क्वेयर फीट का मैक्सिमम कार्पेट एरिया। ये तीनों कैटेगरीज हुई। अब मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स। तो टिप नंबर 1 ये है कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लेना है,
तो आपके फैमिली मेंबर जो लोग लोन स्ट्रक्चर में आ रहे हैं उनके नाम पे आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो शायद आपको लोन मिल भी जाए लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो आप अपना पहला मकान खरीदने जा रहे हो और किसी फैमिली मेंबर के नाम पे जो लोन स्ट्रक्चर में आने वाले हो उनके नाम पे आधार कार्ड नहीं है, तो आज ही आधार कार्ड निकलवाने की प्रोसेस चालू कर दीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सवाल जो बार बार लोग हमसे पूछते हैं। उसमें से पहला सवाल ये है कि मैं अपना जो मकान है वो गांव में लेने जा रहा हूँ, ग्रामीण प्रॉपर्टी में लेने जा रहा हूँ, पहला ही मकान है मेरा, तो क्या मुझे ये सब्सिडी मिलेगी? जी नहीं। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो तीनों कैटेगरीज डिस्कस की, ये पर्टिकुलर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन योजना है जिसमें अर्बन पुअर लोगों के लिए है। ये ग्रामीण में अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो ये पर्टिकुलर स्कीम का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एक अलग स्कीम है जिसको हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, मेरे फादर या मदर के नाम पर मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पक्का मकान है, लेकिन मेरे या मेरी वाइफ के नाम पर मकान नहीं है, तो क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी? जी हाँ, आपको सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि ये नोट करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की फैमिली की डेफिनेशन के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ और उनके अनमेरिड चिल्ड्रन को कंसिडर किया जाता है, तो उस हिसाब से आपकी फैमिली में पास्ट में कोई मकान नहीं है तो आपको डेफिनेटली सब्सिडी मिलेगी। तीसरा सवाल, ये योजना में अगर मुझे पूरी सब्सिडी लेनी है तो लोन का कार्यकाल, लोन का टेन्योर, कितने साल के लिए लोन ले रहा हूं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका जवाब ये है कि हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपने 20 साल से कम का टेन्योर, कम कार्यकाल के लिए लोन करवाई तो प्रोपोर्शनेटली आपको कम सब्सिडी मिलेगी। तो खास नोट डाउन कीजिए कि लोन का कार्यकाल मिनिमम 20 साल के लिए हो, 20 साल या 20 साल के ज्यादा का कार्यकाल होगा तो ही पूरी अमाउंट की सब्सिडी मिलेगी। चौथा सवाल, मैं NRI हूं, क्या मुझे सब्सिडी मिल पाएगी? जी हाँ, अगर आप NRI हो फिर भी आप सब्सिडी ले पाओगे। कंडीशन ये है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बाकी के पूरे जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल करते हो। अब बारी है दूसरी टिप की, तो टिप नंबर 2 ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप उसको नोट डाउन करिएगा। दूसरी टिप ये है कि अब अगर आपने हाल ही में कोई बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है और सब्सिडी की प्रोसेस करवाई है तो आपको क्या करना है? अगर आपके अकाउंट में अभी भी सब्सिडी नहीं आई है तो आपको ये करना है कि वो बैंक या NBFCs के कस्टमर सेंटर में, कस्टमर कॉल सेंटर में आपको फ़ोन करना है और उनको पूछना है कि मैंने अपनी तरफ से सारी सब्सिडी की फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट की है, प्रोसेस की, क्या अभी भी कुछ पेंडिंग है? वो अगर बोले कि हाँ पेंडिंग है तो वो पेंडेंसी, जो बाकी चीज़ है उसको आप पूरा कीजिए। अगर वो बोले कि नहीं सब कुछ कंप्लीट है और ओके है तो उसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में जल्द ही सब्सिडी आने वाली है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आप अपने हिसाब से चेक कीजिए। ये रही दूसरी टिप। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल ये है कि अगर आपकी सालाना आय, अगर आपकी फैमिली की सालाना आय 8 लाख रुपए है और अगर आप अपना पहला मकान लेने जा रहे हो तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आपका जवाब जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपका कुछ सवाल है, अगर आप ये पर्टिकुलर योजना के बारे में कुछ भी आपको सवाल है, कैसा भी सवाल है, क्यों ना छोटा सा या क्यों ना कितना भी बड़ा सवाल हो, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपको उसका जवाब देंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, आने वाले दिनों में हमें से बहुत सारे लोन के और सब्सिडी के रिलेटेड वीडियोज लेके आने वाले हैं जो सही में आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, जो सही में आपकी जानकारी को अलग लेवल पे ले जाएंगे और जो सही में आपको रिच बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टिल देन, टाटा, बाय बाय।